हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में बीते 8 फरवरी को उपद्रव और दंगे के बाद कर्फ्यू को 7 दिन हो गए हैं। इस बीच पुलिस ने अब दंगाइयों की गिरफ्तारी के साथ ही अपनी जांच को नए एंगल की तरफ मोड़ दिया है। इस मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि 8 फरवरी के दिन नगर निगम और पुलिस की टीम पर हमला करने वाली महिलाओं को भी चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इस घटना के दिन बड़ी तादाद में महिलाओं ने विरोध और पत्थरबाजी की थी। गौरतलब है कि पुलिस प्रशासन ने अब तक 36 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे बड़ी मात्रा में असल और गोलियां बरामद हुई हैं। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, उपद्रव में उस दिन जब जो सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस हो रहा है, उसमें कुछ महिलाएं भी हैं जो पत्थर मारते हुए पुलिस पार्टी पर हमला करते हुए दिख रही है, तो उसके लिए हम लोग इस चीज़ को भी चिन्हित करें कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है। और इस सारे प्रकरण में हम लोग कुछ डाटा सर्विलांस भी कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से ये भी देख रहे हैं कि इन लोगों को अचानक किसने उकसाया और ये लोग किसके कहने से इस तेजी से पुलिस पार्टी पर फायरिंग, पथराव एवं आगजनी घटनाएं करने। देखिए, इस घटना में जिसके द्वारा जिस भी तरीके का एक्ट किया गया है और जो भी उसके द्वारा इस घटना को कारित करने के लिए हथियार यूज हुआ है, वो उस तक कैसे पहुंचा है, उसकी सप्लाई कैसे हुई है और उसने किसके कहने पे यूज किया है, इन सब चीज़ों को विवेचना में शामिल करें।